नौकरी से निकाला युवक को तो बदला लेने के लिए मंदिर में ही डाली डकैती। मंदिर में अपने साथियों के साथ आरोपी ने मंदिर में दान पात्र में रखे लाखों की राशि लेकर चलता हुआ जिले में पुलिस के लिए चुनौती बनी लूट की गुत्थी का दतिया पुलिस ने किया खुलासा। एसपी अमन सिंह राठौर के कुशल नेतृत्व में प्रसिद्ध सोनागिर मंदिर की चर्चित लूट डकैती का किया पर्दाफाश। आरोपी अपने पिता के साथ मंदिर में साफ सफाई का काम करता था। आरोपी के रोज शराब पीकर मंदिर में आने जाने से लोगों को परेशानी होती थी। इसके चलते ही मंदिर के लोगों ने आरोपी को नौकरी से बेदखल किया था। आरोपी बदले की भावना के चलते अपने साथियों के साथ मंदिर की दान पेटी तोड़कर दान पात्र में रखे लाखों रुपए की लूट की थी। लुटेरे अपने एक दर्जन से अधिक साथियों के साथ मंदिर के पीछे वाले गेट का ताला तोड़कर मंदिर में इंटर हुए थे। मंदिर में लगे गार्डों पर कट्टे की नोक पर पूरी डकैती की घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया था। मंदिर गार्ड के विरोध करने पर बदमाशों ने दो गार्ड की बेरहमी से पिटाई की थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर डकैती के मास्टरमाइंड आरोपी सुनील कुशवाहा लल्ला परिहार को गिरफ्तार कर लिया है। सेवनी ग्राम के जंगल से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने दान पात्र में से गई राशि व अवैध हथियार भी जब्त कर लिए है। दिनांक 10 तारीख की रात्रि लगभग 3 बजे एक बहुत गंभीर घटना सोनागिर के जैन मंदिर में हुई थी। वहाँ पे जो गार्ड है हरिमोहन यादव, उन्होंने बताया कि रात में 7 से 8 बदमाश मुँह पे नकाब बांध के आए। उनके पास कट्टे थे, लाठी थी। वो मंदिर में पीछे से घुसे, उन्होंने दोनों गार्ड जो थे, एक प्राइवेट गार्ड थे मंदिर के और एक होम गार्ड के सैनिक थे, उनको बंधक बना लिया, उनकी मार पिटाई करी और दान पेटियों को तोड़ के लगभग 2 लाख रुपये जो दक्षिणा में आता है मंदिर में उसको ले गए। अत्यंत ही गंभीर घटना थी। जैसे ही जानकारी मिली तत्काल ही मौके पर सारे अधिकारी पहुँचे, जो ADG चंबल जोन है राजेश चावला सर वो भी पहुँचे। इवन पुलिस हेडक्वार्टर से हमें तत्काल निर्देश आए, DG सर का भी मैसेज आया कि इसमें बहुत आपको शीघ्रता से कार्रवाई करनी है। जैन धर्म के अनुयायी पूरे देश में है और वो यहाँ आते हैं, धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय था। इसको देखते हुए हमने 10 टीमें बनाई, अलग अलग जो पहलू रहते हैं, कौन कर सकता है, मोटिव क्या हो सकता है, जिले के सारे जो 109 बदमाश हैं प्रत्येक को हमने चेक किया कि उस घटना दिनांक को उसका मूवमेंट कहाँ था। आसपास के 8 जिले हैं, उनके SP से मैंने बात की, वहाँ पे जेल पे कौन रिहा होकर के आए हैं उनकी डिटेल्स बुलाई गई, उनको चेक किया गया। इसके बाद में जितने CCTV फुटेज हैं उनको चेक किया गया। 2-3 दिन तक ये काम चलता रहा, CDR का विश्लेषण करना। फिर एक ये आया कि वहाँ जो लोकल लोग काम करते हैं कई बार वो भी इस तरह की वारदात में इन्वॉल्व होते हैं। जब उस पर और पड़ताल की गई तो ये निकल के आया कि जो पूरी घटना है उसका सूत्रधार सेवनी गांव का रहने वाला सुनील कुशवाहा था। उसके पिता वहाँ साफ़ सफाई का काम करते हैं, ये भी पहले साफ़ सफाई का काम करता था लेकिन शराब पी करके अक्सर आता था और दुर्व्यवहार करता था, इसकी शिकायतें थी। इसको लेकर के 7 तारीख को उसको हटा दिया गया था। वहाँ से हटने के उपरांत उसने प्लानिंग बनाई। उसका जो दूसरा साथी था उसी के गाँव का लल्ला और उसको पंजाब परिहार था, ये दो मेन प्लानर थे। बाद में उन्होंने अपने साथी बुलाए रवि परिहार घुगसी से, भूरा कुशवाहा भूरा केवट और सुनील कुशवाहा खिरिया का, और 2 अन्य साथी थे जिनको भूरा लेकर के आया था। वो बाद में जब अरेस्ट होगा तब पता लगेगा। इस पर ADG साहब द्वारा 30,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था और जब इनको गिरफ्तार किया गया दोनों से तो उन्होंने घटना स्वीकार करना बताया। मोटिव यही बताया कि चूँकि इसको यहाँ से निकाल दिया गया था तो मन में एक जो बदला लेने की भावना रहती है वो पाले हुए था। दोनों की जब तलाशी ली गई, उनसे पूछताछ की गई तो लगभग 1,05,000 रुपये, 160,000, 145,000 जब्त हुए, 2 कट्टे इसमें जब्त हुए हैं। DVR जो थी जो वो चुरा के ले गए थे मंदिर की, वो रामसागर तालाब में उन्होंने डालना बताया। वहाँ पे SDRF की टीम हम आज भेजेंगे गोताखोर, वो उसको तलाशी की। वहाँ पे दोनों गार्ड्स के मोबाइल उन्होंने फेंक दिए थे तो उसका एक IMA का स्लॉट है वो इसके पास से मिल गया है। और अन्य जो आरोपी हैं उन पर अभी 30,000 की उद्घोषणा है, शीघ्रता से उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने कल रात में भी दबिश दी है और बहुत जल्दी वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बहुत ही मुश्किल ये टास्क था हमारी पूरी टीम के लिए। और दतिया से राजेंद्र बटवा की रिपोर्ट।